सरोकार मंच पर मैं कुछ रिश्तों की कविताएं महिलाओं, विशेष रूप से बहनों पर, लड़कियों पर और एक कामकाजी महिलाओं पर कविता पढ़ना चाहता हूं। पहली कविता जो मैं पढ़ना चाह रहा हूं, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए। आजकल स्त्रियों पर लिखा तो बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन जो चूंकि सरोकार का है, रिश्तों का मंच है, हम जन सरोकार में रिश्ते बहुत अहमियत रखते हैं, तो पहली कविता जो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कामकाजी महिलाओं के लिए, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए। कविता का शीर्षक है एक दिन। एक दिन ऐसा भी हो कि हम चुप रह जाएं, कुछ न बोलें। एक दिन ऐसा भी हो कि हम चुप रह जाएं, कुछ न बोलें। एक दिन हवाएं खुलकर बहें, धूल धक्कर रहित। एक दिन हवाएं खुलकर बहें, धूप धक्कर रहित, सड़क से शोर शराबा गायब हो जाए। एक दिन पूरा विश्राम का हो जब घर न आए कोई मेहमान। एक दिन पूरा विश्राम का हो जब घर न आए कोई मेहमान। पतिदेव उपवास रख लें। एक दिन जब बच्चे नींद में हो, उतर कर आए कोई परी, टिफिन में भर जाए नाश्ते का सामान। एक दिन जब बच्चे नींद में हो, उतर कर आए कोई परी, टिफिन में भर जाए नाश्ते का सामान। एक दिन देर से हो सुबह, पलकें देर तक मुदी रह जाएं। एक दिन देर से हो सुबह, पलकें देर तक मुदी रह जाएं, चाहे गनगनाती रहे अलार्म घड़ी। एक दिन इतनी जोर से हो बारिश, एक दिन इतनी जोर से हो बारिश कि गाड़ियां बंद हो जाएं, सड़कें डूब जाएं घुटनों तक। एक दिन दफ्तर में हम बतियाते रह जाएं पूरे दिन। एक दिन दफ्तर में हम बतियाते रह जाएं पूरे दिन, कोई कुछ न बोले, अचानक कोई बूढ़ा नेता मर जाए। पहले बड़े बुजुर्ग नेताओं के मरने पर छुट्टियां हो जाती थी सरकारी दफ्तरों में। एक दिन इतनी जोर से हो बारिश कि गाड़ियां बंद हो जाएं, सड़कें डूब जाएं घुटनों तक। एक दिन दफ्तर में हम बतियाते रह जाएं पूरे दिन, कोई कुछ न बोले, अचानक कोई बूढ़ा नेता मर जाए। एक दिन पकड़े रोज से पहले वाली ट्रेन, एक दिन पकड़े रोज से पहले वाली ट्रेन, घर बच्चों से पहले पहुंच जाए। एक दिन ऐसा भी हो जब हम जो सोचे वही हो जाए। एक दिन सिर्फ एक दिन ऐसा हो जाए। तीन चार छोटी छोटी कविताएं बहनों पर। रक्षाबंधन आ रहा है, बहुत माकूल अवसर देख के मैं ये कविताएं पढ़ रहा हूँ। छोटी छोटी तीन चार कविताएं बहनों पर। बहने दूज के चांद की तरह कभी दिखी, कभी तरसते रहे लोग देखने के लिए। बहने दूज के चांद की तरह कभी दिखी, कभी तरसते रहे लोग देखने के लिए। बहने माँ के आंगन में चुपचाप खिलने वाले हर श्रृंगार की तरह। बहने माँ के आंगन में चुपचाप खिलने वाले हर श्रृंगार की तरह। खिली महकी और भोत होते ही चू पड़ी, खिली महकी और भोर होते ही चू पड़ी। बहने खेत में हल चलाते पिता के लिए छांव की तरह। बहने खेत में हल चलाते पिता के लिए छांव की तरह, लोटा भर जल पिलाकर लौट गई। बहने माँ की आंसुओं की तरह हल पर बरस पड़ने को आतुर। बहने शादी में गीत की तरह। बहने चौके में रोटी की तरह। बहने घर की लाज की तरह। जब तक रही जताती रही अपने होने का एहसास। जब तक रही जताती रही अपने होने का एहसास। अब जब पास नहीं है बहने, माँ की यादों में हर पल उतरती रहती हैं बहने। दूसरी कविता बहने शीर्षक की। घर में किसी कोने में बड़ी सहजता से रह लेती हैं बहने। उन्होंने रोकर कभी नहीं मांगे खिलौने, भाई के हाथों से ही जलाती रही फुलझड़ियां। पटाखों के शोर में नहीं सुनी गई उनकी सिसकियां। बहने रंग बिरंगी तितलियों की तरह इधर उधर उड़ती पच्चाप की आहटों पर चौकन्ना। और फुर्र से दूर हो जाती बहने, और फुर्र से दूर भागती बहने। खूब समझती हैं माँ और पिता के आंखों की भाषा। उदास मौसमों में जब झुलसने लगते हैं बदन, पसीने से तरबितर पिता को छाया की तरह दिखती हैं बहने। पूस माघ में जब ठिठुरने लगते हैं घर मकान पेड़ पालों, अलाव जलाती दादी को मचान पर बिठाती बहने। खूब याद आती हैं बहने, भले ही दूर हों पर उनकी यादों की आंच से ठंड में भी गर्म हो जाता है घर। तीसरी कविता है
दूर प्रदेश से भी माँ को रोज याद करती हैं बहने बहने, वे भले हो न भले ही न लिखती हों चिट्ठियां, दिल की बातों में उतर आते हैं उनके अक्ष। बहने सपनों की तरह हर रात उतरती हैं चौखार, बासन करती माँ के हाथ बटा, चली भी जाती हैं बहने बड़े सवेरे घर गुहारती, झाड़ू पोछा करती माँ के हाथों में चुपके से हाथ देकर बिना कुछ खाए पिए क्यों कर लौट जाती हैं बहने। एक दूसरी कविता बहने, उसी कविता का एक अंश, बहने गुर्राते पिता के सवालों के जवाब की तरह हैं। बहने गुर्राते पिता के सवालों के जवाब की तरह हैं, जिसे कोई भले न समझे पर खूब समझती है माँ। चौथी कविता बहने शीर्षक की, भाई दूज को सजी सौरी बहने आएंगी, फिर से खिलेगा माँ के आंगन का हर सिंगार, चहक उठेगी भाई की सजी सजाई दुनिया, बोल उठेंगे घर के कोने जहाँ कभी बहने सलवारों में सितारे टांगती सपने बुना करती थी, चंद लम्हे बिता फिर से उड़न छू हो जाएंगी बहने, बहने सपने बुनते बुनते उड़ने लगी हैं पंखियों की तरह, शाम होते ही जैसे लौट आते हैं पखेरू, शाम होते ही जैसे लौट जाते हैं पखेरू, लौट जाएंगी बहने अपने अपने घोंसलों में, अगले भाई दूज तक दूज का चांद हो जाएंगी बहने। अंतिम कविता है शीर्षक की पांचवी, बहने घर की रौनक है, बचपन में रंग बिरंगे कपड़ों में से सजी आंखों को सुख देती हुई बहने असार की पहली बूंदों से उठी सुधी बहक है, बाबा और अम्मा को उछाल से भरती बहने बासंती हवा की तरह हैं, घर आंगन की महकाती घर आंगन को महकाती मन को प्रसन्न करती हुई बहने भाभी की नेग हैं, आंचल में चावल और दूध के साथ खुशियां भरती, भाई दूज को खूब याद आती हैं बहने, उनका होना हर भाई के लिए एक नेमत है, उनका होना हर भाई के लिए एक नेमत है। कुछ छोटी छोटी कविताएं बेटियों के लिए, बेटियां लड़कियां, पहली कविता है, गुनगुनी धूप सी सुख देती हैं लड़कियां, गुनगुनी धूप सी सुख देती हैं लड़कियां, बचपन में परियों सी सजी सौरी अटखेलियां करती मन को भा लेती हैं लड़कियां, फिर बैठक में पानी का गिलास हो या माँ का चौका, आंगन में गीत हो या पड़ोस में शादी, सब और छाई रहती हैं लड़कियां ही लड़कियां, फिर एक दिन ससुराल जाने पर चौका करती माँ को, बहुत याद आती है लड़कियां। दूसरी कविता है इस सीरीज की, पड़ोसी के खुसुर खुसुर सी चुपके चुपके जवान हो रही हैं लड़कियां, माँ के कद से कद नापती इधर उधर उछलने उछलती कूदती समय की रफ्तार सी बढ़ने लगी हैं लड़कियां, चूल्हा चौका करते सहेलियों से बतियाते स्वेटर कुर्ता बुनते बुनते अब सपने बुनने लगी हैं लड़कियां। इस कड़ी की तीसरी कविता है, अब हर पल माँ की आंखों में रहने लगी हैं लड़कियां, बोलते बतियाते लड़ते और तितलियों के पंख गिनते किरकिरी सी आंखों में गरने लगी हैं लड़कियां, चूल्हा चौका स्वेटर कुर्ता घर की चार दीवारी में ही जैसे सिमटने लगी हैं लड़कियां। चार, खेलते कूदते लड़ते झगड़ते जाने कब चुपके चुपके कुछ सोचने लगी हैं लड़कियां, फूलों के रंग और तितलियों के पंख समेट कर उड़ने लगी हैं लड़कियां, नीले पीले लाल हरे सारे सपनों को पलकों में बंद कर अपना कर लेना चाहती हैं लड़कियां। एक इसी कड़ी में और कविता में पढ़ रहा हूँ, लिखा तुम्हारे लिए, एक दिन जब सर्द हवाओं में सिकुड़ा मैं धूप की तलाश में था, छत पर उतरती किरणों से चुपचाप मेरी कविताओं में आ गई थी तुम, एक दिन जब सर्द हवाओं में सिकुड़ा मैं धूप की तलाश में था, छत पर उतरती किरणों से चुपचाप मेरी कविताओं में आ गई थी तुम उल्काओं से टूट कर आ गिरी थी मेरे सिरहाने, जगमगा उठे थे मेरे मन के तार, मैंने उसी दिन भोर पर लिखी थी एक कविता, मैंने उसी दिन भोर पर लिखी थी एक कविता, तुमने मेरे बच्चों के लिए मुझसे बचा कर रखी उष्मा, ठीक उसी तरह जैसी मेरी माँ ने सहेज कर रखा था बोरसी में आग चौके में रोटी, निपट अंधेरों में कई बार जब हमने चाही थी रोशनी,
तुम्हारी डिबरी की मध्यम लौ से प्रकाशित हुए थे हम, एक दिन तुम शायद धरती पर मेरे लिए ही आई होगी, ताकि मैं भी सहेज कर रख सकूं बच्चों के लिए कुछ प्रेम कविताएं। और एक अंतिम कविता इस कड़ी में मैं पढ़ना चाहता हूं। कविता का शीर्षक है लाख दुखों को पार कर। एक कविता मनुष्य की जिज्ञासा के लिए है, मनुष्य की इच्छा आकांक्षा के लिए कविता है। लाख दुखों को पार कर मैं लौटना चाहता हूँ जैसे लौट आता है सूरज। मैं लौटना चाहता हूँ जैसे लौट आता है सूरज रोज रोज अल सुबह। मैं लौटना चाहता हूँ जैसे लौट आता है चांद हर अगली रात नियत समय पर। मैं लौटना चाहता हूँ जैसे लौट आता है चांद हर अगली रात नियत समय पर। मैं लौटना चाहता हूँ जैसे लौट आती है याद अक्सर बुरे दिनों की वक्त बेवक्त। मैं लौटना चाहता हूँ जैसे लौट आती है याद अक्सर बुरे दिनों की वक्त बेवक्त। मैं लौटना चाहता हूँ जैसे लौट आती है हवा भोर होते ही। मैं लौटना चाहता हूँ जैसे लौट आती है हवा भोर होते ही तन बदन को आह्लादित करती हुई। मैं लौटना चाहता हूँ जैसे लौट आते हैं मैं लौटना चाहता हूँ जैसे लौट आते हैं मेहमान अपने घर कुछ दिन कहीं रहकर। मैं लौटना चाहता हूँ जैसे लौट आते हैं मेहमान अपने घर कुछ दिन कहीं रहकर। मैं लौटना चाहता हूँ जैसे लौट आता हूँ मेरा अतीत। मैं लौटना चाहता हूँ जैसे लौट आता है मेरा अतीत हमेशा अपने बुरे पूरे वजूद के साथ। मैं लौटना चाहता हूँ जैसे लौट आती है खुशी यदा कदा लाख दुखों को पार कर भी। मैं लौटना चाहता हूँ जैसे लौट आती है खुशी यदा कदा लाख दुखों को पार कर भी। मैं लौटना चाहता हूँ खुद में जैसे लौट आई थी करुणा लौटा था आत्मज्ञान गौतम बुद्ध के पास। मैं लाख दुखों को पार कर लौट जाना चाहता हूँ जैसे लौट आता है सूरज रोज रोज अल सुबह। बहुत बहुत धन्यवाद।